हेलो और वेलकम इस वीडियो के अंदर मेरा नाम मोहम्मद एहसन है और मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ इस पूरे रिएक्ट कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत आगे आ गए हैं इस जर्नी के अंदर लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आप यहाँ से आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं तो अपनी रिएक्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जर्नी को और बेहतर कैसे बनाना है इस बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्विकली रिकैप करते हैं तो हमारे पास जो कोर्स का रिकैप है उसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी है कि हमने इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी है लेकिन उसमें जो कम्प्लीट फोकस रहा है वो उन स्किल्स पे रहा है जो कि आपको हेल्प करें इफेक्टिव और रीयूजेबल और स्केलेबल रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने में और उसके जो हैं, वो पास अब आ चुके हैं। तो अगर हम सिर्फ कोर्स तो किया से कंपोनेंट्स तो को रियूजेबल कि और रीडेबल बनाती है और आसानी पैदा कर देती है हमारे पास पूरी रिएक्ट ऐप के अंदर इस्तेमाल करने में उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रॉप्स क्या होती हैं स्टेट क्या होती है और किस तरीके से हम इवेंट्स बाइंड कर सकते हैं अपनी एक्ट एप्लीकेशन के अंदर ताकि हम यूजर से इन्फॉर्मेशन ले भी सके और डेटा को पास भी कर सके थ्रू आउट हमारी एप्लीकेशन के उसके बाद फिर हमने स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बात की और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी वेब फ्रेमवर्क के अंदर तो हमने लोकल जो स्टेट है उसको मैनेज करना भी सीखा यूज स्टेट के थ्रू और हमने ग्लोबल स्टेट को भी मैनेज करना सीखा रिडक्स के साथ और हमने रिडक्स थंक पे भी काम किया देर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने इसके अंदर डिस्कस की उसके बाद हमने कुछ हुक्स पे भी फोकस किया तो ना कि सिर्फ हमने यूज स्टेट लर्न किया लेकिन हमने यूज इफेक्ट लर्न किया और रिएक्ट के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने यूज इफेक्ट

आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वो ये कि आपके पास एक लर्निंग पाथ हो जो आप ग्रेजुअली फॉलो करते रहे और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहे तो तो सिर्फ आगे आगे आप कर तो आपने एक कोर्स खत्म कर लिया इसका मतलब ये नहीं है के अब आप के चैंपियन हो चुके हैं या वेब डेवलपमेंट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए लर्निंग का प्रोसेस एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी भी खत्म नहीं होता इवन नाउ आफ्टर टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई एम स्टिल और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं तो आपके लिए जो अगले स्टेप्स हैं वो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं पहली चीज तो ये कि बिल्ड करें प्रोजेक्ट्स आपने ये बात कई दफा सुनी होगी मुझसे और मैं दोबारा से इसको कह रहा हूं कि जो लर्निंग प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने से होती है वो सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से नहीं होती या वो सिर्फ आर्टिकल देखने से या आर्टिकल्स देखने से नहीं होती जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी और मेरी खुद की एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा बढ़ी है सिर्फ ये कोर्स के अंदर जो मैंने अपलिकेशन क्रिएट किए हैं उससे तो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना कभी भी आपने छोड़ना नहीं है इसके लिए हमेशा टाइम निकालना है और आप शुरू कर सकते हैं किसी भी स्मॉल पर्सनल पोर्टफोलियो से या स्मॉल ई कॉमर्स वेबसाइट से और वहां से आप आगे लेके जा सकते हैं जैसे कि हमने पिज्जा रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बनाई थी आप कुछ सिमिलर बना सकते हैं उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एक ऐसी चीज है जिससे इमेंस लर्निंग होती है यानी कि आप जब किसी और के कोड पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है उसमें सजेशन मिलती है आपको मौका मिलता है कि आप उसके टेस्ट भी लिखें और यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रीब्यूट किया जाए या आप डायरेक्टली जाके रिएक्ट पे या एंगुलर पे या जो बड़ी आप उस रिपोर्जिटिव

फोरम्स हैं ऑनलाइन उनको ज्वाइन करना जरूरी है और उसमें भी आप जाके लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं लेकिन आखिर में जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये इवॉल्व होती जा रही है रिएक्ट का इकोसिस्टम भी और इवन वेब डेवलपमेंट भी तो जो जो चीजें इसके साथ साथ हैं या रिएक्ट का इको में आती है जैसे नेक्स्ट हो गया रीमिक्स रन है क्विक डेव है इसी तरीके से और भी फ्रेमवर्क है तो आप किसी भी एक को पिक करके कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और इसको जस्ट जस्ट प्ले अराउंड विद दिस और इससे होगा ये कि जो जो टेक्नोलॉजी आप ट्राई करते जा रहे हैं साथ साथ उसी

देख के कि आप कितना आगे आ गए हैं अपनी रिएक्ट जर्नी में फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड तो अगेन शुक्रिया इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ और आई होप कि आपने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट जो मेरे और कोर्सेज या ई e बुक्स या बुक्स अवेलेबल हैं ताकि आप अपने जो लर्निंग स्किल्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स हैं उसको आगे लेके जाएं एंड एज ऑलवेज हैप्पी कोडिंग आल सी यू नेक्स्ट टाइम